अस्सलाम वालेकुम नाजिन, आप तमाम का नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल की जानब से कर्नाटका टीटी के लिए वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं। तो आज का ये वीडियो क्या है, हमारा तीसरा यूनिट चाइल्ड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का तीसरा यूनिट है। ये यूनिट चल रहा है। यहाँ पर क्या है, इस यूनिट में हमने विरासत और माहौल का असर इसके बारे में बहस की है। और मेरे हर वीडियो रिकॉर्डेड है, आप जब चाहे उसको देख सकते हैं। इसके लिए क्या है, आपको फी अदा करनी पड़ेगी। ये हमारा तीसरे यूनिट का डेमो है। तो यहाँ पर देखिए, विरासत का मतलब एक बच्चा अपने ऊपर मौरूसी और माहौल का बहुत अच्छा तासीर हासिल करता है। सीखने और रवैये के रुझान मौरूसी माहौल पर मुनसर, फितरत यही नहीं बल्कि जहानत और किरदार का दारोमदार भी माहौल पर है। जहानत का किरदार और उसका दारोमदार माहौल पर असर करता है। विरासत और माहौल बच्चे की तफावत और शख्सियत पर असर डालते हैं। इन दोनों पर क्या है, असर डालते हैं। इसके अलावा जहनी नशोनुमा, विरासत और माहौल, इन दोनों का ताल्लुक भी अहमियत का हामिल है। इस तरह से, और इसके अहम नुकात ये हैं। ये तमाम इन अहम नुकात के ऊपर हम बहस करेंगे इस सबक में। और इसके साथ विरासत के प्रिंसिपल्स के बारे में का उसूल क्या है, विरासत के उसूल के बारे में बहस किया गया है इसके अंदर। और इसके साथ साथ हमने क्या है, विरासत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल के बारे में अब देखिएगा। किरदार क्या है, सबसे अहम लगता है। एक बच्चा अपने वालिदैन से किरदार की खसूसियात विरासत में हासिल करता है। यानी डिगवेल नाम एक शख्स है, उसका कहना है कि किसी शख्स के किरदार और फितरत की नशोनुमा उस बात पर भी मुनसर है कि बच्चे को उसके वालिदैन से विरासत में मिले हैं। यानी किरदार भी क्या है, विरासत से मिलते हैं। अगर हमारे वालिदैन अच्छे किरदार अच्छे अखलाक वाले हों तो वही अखलाक व आदात उनके बच्चों में जीन्स की तौर पर, विरासती तौर पर उनके अंदर मुंतकिल होते हैं। बच्चे की अखलाकी नशोनुमा तरक्की का एक हिस्सा है और उसकी जड़ें इंसानी फितरत में गहरी हैं। इसलिए वालिदैन कुछ अखलाकी इकदार अपनी औलाद को दें। वालिदैन क्या करना, अखलाकी इकदार क्या बच्चों को दें। ये बात याद रखिए कि बचपन में जो वालिदैन से बच्चे सीखते हैं खास करके, वही उनकी ज़िंदगी भर काम आता है, ज़िंदगी भर चलता है। इसलिए क्या है, बचपन में ही बच्चों की अच्छी तरबियत करना चाहिए ना। इसी तरह से हम बहुत सारे मजामीन पर इसमें बहस की है। इसमें हम परवरिश और फितरत के बारे में बहस की है। और इसी तरह क्या है, यहाँ पर हम इस सबक का मश्क मश्की सवालात भी हमने हल किया है। देखिएगा यहाँ पर एक मश्की सवाल, पहला सवाल ही यहाँ पर आपके सामने हल करते हैं। यह सवाल क्या है, क्या बच्चे इसलिए जबान सीखते हैं कि वो जीनियाती तौर पर ऐसा करने के लिए तैयार होते हैं। जीनियाती तौर पर, जिनसी तौर पर जबान सीख सकते हैं अपने वालिदैन से, या उस लिए कि वालिदैन उन्हें छोटी उम्र से ही बहुत ज़्यादा सिखाते हैं, यानी बात करने के लिए कहलाते हैं बच्चे को। क्या पैदाने के साथ सीखता है बच्चा, नहीं, बच्चा क्या है, सुनकर सीखता है, जान कर सीखता है। ये सवाल बुनियादी तौर पर नुमाया करता है। कैसा, ऑप्शन क्या है यहाँ पर, इनमें से कौन सा जवाब सही है। चाहे नशोनुमा एक मुसलसल अमल है या मुनकता है, मुसलसल अमल है नशोनुमा बात करने के लिए सीखने के लिए, या जबान की नशोनुमा पर इदराक का असर है, समझ का असर है, या फितरत की परवरिश की बहस है, या नशोनुमा पर बहस एक कसीर अंसरी सलाहियत है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है, देखिएगा यहाँ पर क्या है, बच्चे को सिखाया जा रहा है, सिखाते हैं कौन, वालिदैन। बच्चे क्या है, खास करके सुनकर माहौल में रह कर सीखते हैं। अगर वो अच्छे माहौल में हो, अगर वो मुनासिब माहौल में हो जहाँ पर क्या है, बच्चों की अखलाकी आदात को परवान चढ़ाए, उनके साथ जो बात की जाती है, कलाम किया जाता है, अगर उनके माहौल में सही मुनासिब कलाम हो, अच्छी बात किए जा करते हो, गाली गलौज ना देते हो, तो बच्चे क्या है, अच्छी बातें सीखते हैं। अगर वो उनका माहौल गाली गलौज वाला हो, झगड़े फसाद वाला हो,
तो बच्चे भी क्या है उसी माहौल में ढल जाते हैं, उन्हीं की जबान बोलना सीखते हैं। इसलिए क्या है वो फितरत की परवरिश है, फितरत वहाँ की फितरत कैसी है, वहाँ का माहौल कैसा है उस पर असर करता है। ये ऑप्शन सही है। माँ बाप कैसे हैं, माँ बाप की खसलतें कैसे हैं, अगर वो माँ बाप के पास ही बच्चा ज्यादा रहता है, उनकी बातों को सुनकर क्या है बोलने लगता है, तो इसलिए क्या है तीसरा ऑप्शन सही है। इस तरह से क्या है हम मशक्की सवालात भी हल किए हैं इसमें। अगर आप चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को, इन वीडियो को, इन तमाम वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं क्या है जब चाहे तब देख सकते हैं हमारे वीडियो को, क्योंकि मैं रिकॉर्ड किया हूँ। और जब अगर आप देखना चाहते हैं तो अपना जीमेल आईडी मुझे सेंड कीजिएगा, जीमेल आईडी के जरिए क्या है आप देख सकते हैं। अगर लाइव वीडियो हो तो, लाइव क्लासेस हो तो सिर्फ आप उसी टाइम निकालना पड़ेगा मखसूस वक्त, लेकिन मेरे लाइव वीडियो नहीं है ये, ज़्यादा सिर्फ क्या है रिकॉर्डेड वीडियो, अगर चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, अल्लाह हाफिज़। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अल्लाह हाफिज़।